झा क्लासेस परिवार में आज एक हर्ष का विषय, क्योंकि आई नीट का रिजल्ट आया है। मैं शिव संगत झा आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे संस्थान के स्टूडेंट मोहम्मद जैद, जिन्होंने 12th के बाद यहाँ संस्थान ज्वाइन किया था, इन्होंने यूपी बोर्ड से 12th किया है, और हमारे भाई साहब जैद के पापा जी, इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे जिन्होंने झा क्लास पे विश्वास किया। तो जैद, मैं चाहता हूँ कि आप अपने छोटे भाई बहन या विशेषकर कुछ बच्चे जो ईपी बोर्ड से आते हैं या अपने शहर के बच्चों को लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ा बताएं। मैं मोहम्मद जैद, निवासी हाजीपुरा फिरोजाबाद। आज मेरा नीट का रिजल्ट आया, जिसमें मैंने 601 अंक प्राप्त करे। मैंने 12th के बाद झा क्लासेस ज्वाइन की। मैंने पहला अटैम्प्ट दिया जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर मुझे लगता था कि एक ड्रॉप लेकर मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने एक और अटैम्प्ट दिया, जिससे झा क्लासेस और झा सर की हेल्प से मैंने 601 अंक प्राप्त करे। यहाँ की टेस्ट सीरीज़ ने मुझे हेल्प करी, स्टडी मटेरियल ने, और कोचिंग के सभी टीचर्स ने। जब मैं डिमोटिवेट होता था तो टीचर्स अलग से बुलाकर मुझे मोटिवेट करते थे। डाउट सॉल्विंग प्रोसेस अच्छा था, और मैं आने वाले जो स्टूडेंट हैं 10th में, उनसे चाहूँगा कि यहाँ से फाउंडेशन करें। मेरा छोटा भाई भी यहीं पढ़ रहा है जी, वो भी 11th फाउंडेशन नीट की तैयारी कर रहा है यहीं से जी। बहुत बहुत धन्यवाद जय। और मैं झा सर का और पूरे संस्थान का धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर झा सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद जय भाई साहब। मैं चाहता हूँ कि जैसे आज बच्चे आपने देखा हो, पहले बच्चे कम पढ़ते थे, अब बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, और लगन है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, विशेषकर जैसे अपने क्षेत्र के बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपके रिलेटिव भी होंगे, तो अब जैद के माध्यम से मैसेज तो जाना ही जाना है कि जैद MBBS करेंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप संस्थान के लिए क्या मैसेज है आपका, या क्लासेस के लिए, और अपने जनपद वासियों के लिए क्या मैसेज है, वो थोड़ा बताएं। पहले तो मैं सभी जो नीट बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ, तो उन्होंने जो है नीट में सिलेक्शन निकाला है अपना। और मैं खास तौर से अपने बच्चे को जैद को भी जो है बधाई देना चाहता हूँ, और जिसने जो है झा क्लासेस के माध्यम से इस नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि देखो, पढ़ाई में मेहनत तो लगती है, लेकिन माँ बाप का भी कुछ श्रेय होता है, और माँ बाप को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों पे खास ध्यान रखते हुए बच्चों को आगे पढ़ाने की कोशिश करें, और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के लिए, मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि अच्छी शिक्षा के लिए जो जैद के लिए मेरे बहुत अच्छी साबित हुई है, जैसे झा क्लासेस जो है वो मेरे जैद के लिए अच्छी साबित हुई है, इसलिए मैं सभी बच्चों से ये अनुरोध करता हूँ कि वो आगे पढ़ने के लिए झा क्लासेस का सहारा लें। और जी, बहुत नो डाउट भाई साहब, आपकी इच्छा को हम समझ सकते हैं, और आपका जो विश्वास है, जो विश्वास आपने झा क्लासेस से किया है, वो झा क्लास ने प्रूव भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं जैद के लिए भी, विशेषकर क्योंकि जैद की मेहनत ही रंग लेके आई है। टीचर्स, अभिभावक और संस्थान तीनों मिलकर जब एक काम को किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में करते हैं तो 100% उसके रिजल्ट परिणामी जो होते हैं पॉजिटिव आए, और ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह से बच्चे ने ईपी बोर्ड से 12th किया, क्योंकि ईपी बोर्ड के बच्चों में ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि बच्चे सिंसियर बहुत होते हैं, नो डाउट, बट उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है,
तो उस प्रॉब्लम को भी फेस करते हुए बच्चे आगे बढ़ते हैं और वो अपने मन में विश्वास जो रखते हैं, दृढ़ संकल्प लेके आते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर बनने का जो सपना है उनका वो पूरा किया है बच्चे ने, तो वो मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपको, थैंक यू, थैंक्स लॉट। पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विश्वास किया। ओके भाई साहब, थैंक यू, थैंक्स लॉट।